दृश्य आपण पाहता की म्हणजे धारावी मधील मशिदीचा अनधिकृत भाग तोडण्यावरून जो वाद निर्माण झालेला होता त्या प्रकरणी वर्षा गायकवाड या धारावी पोलीस स्टेशन मध्ये गेलेल्या होत्या। काल त्यांनी मुख्यमंत्र्यांना एक निवेदन सुद्धा या संदर्भातला दिलेलं होतं आणि आता त्या माध्यमांसोबत संवाद साधला। अभी मुझे इन्होंने बोला कि लोग कह रहे हैं कि बीएमसी की गाड़ी हटाओ, जब लोग हटेंगे तो हम बीएमसी के अधिकारी को भेज पाएंगे और वो निकल पाएंगे ना, तो मेरा विनंती है। अरे तुम्हें बोला पहला मैं भी बोलते थे, बड़ा घसा दुखा लग रहा सर्वांना विनंती आहे, धारावीच्या सर्व नागरिकांना इथे उपस्थित असलेला विनंती आहे, आप सबसे गुजारिश है, रिक्वेस्ट है, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप जो है अब अपने अपने घर चले जाएं ताकि यहाँ पे सिचुएशन नॉर्मल हो पाए। आप जो बोल रहे हैं कि बीएमसी का व्हीकल्स वगैरह यहाँ से अगर हटाना है तो पहले हम सबको यहाँ से हटना पड़ेगा, अपने अपने घर में आप जाइए और व्हीकल्स वगैरह जो है वो सबसे निकाले जाएंगे और यहाँ की जो स्थिति है वो नॉर्मल जल्दी से जल्दी हम कर पाएंगे। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कृपया अपने अपने घर जाइए। आज कोई भी कार्रवाई नहीं है, मेरा विनती है कि गाड़ियों को जाने के लिए जगह दे दीजिए और सब कुछ सही चल रहा है तो आप सब लोग सहयोग कीजिए। मेरा हाथ जोड़ के सबसे कहना है, अपा मेरा हाथ सुनिए, हाथ जोड़ के मेरा सबसे कहना है कि वो लोग जाना चाहते हैं महानगर पालिका, उनको सहयोग करना चाहिए, उनको जाने दीजिए यहाँ से। और दूसरा हमारा कहना ये है कि आप सबको हम निश्चित करते हैं, हम आप लोगों के साथ हैं, हम सब लोग साथ हैं, तो आपको सबको साथ में मिलकर लड़ाई लड़ने का काम करना पड़ेगा, हम सब लोग साथ में मिलकर इसको काम करेंगे। तो सभी शांति बनाए रखे, सभी संयम बनाए रखे, हम रात को कल रात को भी यहाँ पे आके गए हैं और सुबह से भी हम लोग यहाँ पे हैं। भाई साहब मैं जानती हूँ, इतना तो भरोसा रखिए, हाँ इतना तो भरोसा रखिए, अगर डीसीपी यहाँ पे है, एडिशनल सीपी यहाँ पे है, मैं आके यहाँ पे बात कर रही हूँ, तो इतना तो भरोसा कीजिए। आज हम सब लोग शांति से घर पे जाइए तो महानगर पालिका के अधिकारी यहाँ से जा सकेंगे। तो आप सभी को मेरा विनती है कि कार्रवाई स्थगित हो गई है, आप लोग अपने घर पे जाइए, हम आप सबके साथ है, शांति बनाए रखिए, संयम बनाए रखिए और कायदा सुव्यवस्था को चलाने के लिए सबकी मदद चाहिए, उसमें मदद कीजिए। धन्यवाद। लेकिन सब हुआ है, कृपया आपको विनंती है, इसमें सभी लोग का धन्यवाद देना चाहता हूँ, आप लोगों ने सहयोग किया है, अभी ऐसा है आपका सबका सहयोग चाहिए, कृपया करके बीएमसी वाले को सुरक्षा दो, गाड़ी निकलने जाने दो, आपके साथ हम लोग साथ में रहेंगे। आपको अभी कार्रवाई वापस लिया है। आप देखिए, जब ऑफिसर लोग के सामने जब इतने लोग बैठ के बात किए हैं और भाई रिपोर्ट एक मिनट भाई रिपोर्ट बात हुआ है तो बेफालतू की बात करके उस वातावरण को वापस गर्म मत करो। मैं क्या बोल रहा हूँ, लेकिन भाई साहब कोई भी अगर नहीं, आपको मालूम करना पड़ेगा पहला तो स्ट्रक्चर क्या है, उसका फोटो पास। एक मिनट दे दे, जाओ मैं सांगते गाड़ी तो जाने दीजिए ना, महानगर पालिका की जाने तो दीजिए गाड़ियाँ।
करते ना, आज नहीं होगा, करते ना। हाँ बोलो, देखिए भरोसा रखिए, सब लोग शांति से सहकार्य कीजिए, सब लोग सहकार्य कर रहे हैं। गाड़ियों को जाने दीजिए, गाड़ी जाने दो, गाड़ी जाने दो, गाड़ी जाने दो ना बीएमसी की। परिस्थिती नियंत्रणात आहे आणि ही तोडक कारवाईवर स्थगिती आणण्यात आलेली आहे। सर्वांनी शांतता राखावी आणि या ठिकाणाहून पालिकेच्या लोकांना जाऊ द्यावं, त्यांच्या गाड्यांना जाण्यासाठी मार्ग करून द्यावा असं आवाहन वर्षा गायकवाड यांच्याकडून करण्यात आलेलं आहे। वर्षा गायकवाड या बैठकीसाठी उपस्थित होत्या, या संवादामध्ये त्या उपस्थित होत्या आणि 6 ते 8 दिवस जे आहेत ते आता सध्या कुठल्याही प्रकारची कारवाई होणार नाही आहे, या कारवाईला स्थगिती देण्यात आल्याची माहिती त्यांच्याकडून देण्यात आलेली आहे। मात्र धारावी पोलीस स्टेशनच्या बाहेर अजूनही मोठ्या संख्येनं स्थानिकांची उपस्थिती आहे आणि प्रत्येकाने आपापल्या घरी जावं, शांतता ठेवा, सर्वांनी सहकार्य करा असं आवाहन वर्षा गायकवाड यांच्याकडून करण्यात आलं आहे। कारवाई रद्द झालेली आहे, त्याच्यामुळे आता धारावीकरांनी आपापल्या घरी जावं असं आवाहन या ठिकाणी वर्षा गायकवाड यांच्याकडून करण्यात आलेलं आहे। डीसीपी एसीपी सुद्धा यावेळेला उपस्थित होते आणि त्यांच्याकडून सुद्धा आवाहन करण्यात आलेलं आहे की पालिकेच्या लोकांना आता जाण्यासाठी रस्ता दिला जावा, त्यांच्या गाड्यांना रस्ता दिला जावा असं आवाहन त्यांच्याकडून केलं जात आहे। मात्र अजूनही मोठ्या संख्येनं स्थानिकांची उपस्थिती या ठिकाणी धारावी पोलीस स्टेशनच्या बाहेर असल्याचं पाहायला मिळत आहे। धारावीमधील तोडक कारवाईला 8 दिवसांची स्थगिती देण्यात आलेली आहे आणि मुस्लिम समाजाचे बांधव जे या बैठकीसाठी या चर्चेसाठी उपस्थित होते त्यांच्याकडून अशी माहिती देण्यात आलेली आहे की यावर स्टे आणण्यासाठी कोर्टामध्ये आपण जाणार आहोत आणि आपल्याला न्याय मिळेल अशी अपेक्षा आहे असं त्यांच्याकडून सांगण्यात आलेलं आहे। शांतता राखण्याचं आवाहन त्यांच्याकडून करण्यात आलं आणि आता पालिकेची गाडी जी आहे ती या ठिकाणाहून जाते आहे। स्थानिकांनी या गाडीला